हेलो चिल्ड्रन, माय नेम इज़ यशी निगम फ्रॉम आशन अस्टेंड इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर। टुडे इन ऑनलाइन क्लासेस इज़ फॉर क्लास 6 इंग्लिश मीडियम। बच्चों, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, बट हम लोगों के पास में बुक्स एंड नोटबुक नहीं है। तो बच्चों, हम लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है स्टडी करने में। सो बच्चों, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों ही स्कूल आशन अस्टेंड इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुलने लगे हैं। आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में जा कर के अपनी सारी स्टेशनरी परचेज कर सकते हैं। ओके, आइए, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, और हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बच्चे? एक्सपेंडेड फॉर्म की डिफिनीशन होती है टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ अ न्यूमरियल, वी एट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स ऑफ द न्यूमरियल। फॉर एग्जाम्पल, एक हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3628941। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, द गिवन न्यूमरियल्स, अपना जो भी न्यूमरियल्स ऊपर जो डिजिट दी हुई है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3628941 इक्वल टू, अब देखते हैं बच्चों, जिसका भी हमें जिस भी हम डिजिट को एक्सपेंड करेंगे, हम उसके बाद के जितने भी डिजिट होंगी उतने ही जीरो हम उस डिजिट में ऐड कर देंगे। ओके, फिर ऐसे ही ऐड करके नेक्स्ट डिजिट, फिर उसके आगे ऐड करके फिर नेक्स्ट डिजिट, आइए देखते हैं, इक्वल टू 3। अब बच्चों, 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है, इसकी प्लेस 3 की हमें क्या करनी है, प्लेस वैल्यू देखनी है। क्या कितनी होगी, कितनी डिजिट आगे उसकी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो आएंगे यहाँ पे, 6 जीरो। देखिए, इक्वल टू 3 में कितने, 3 में के साथ मैंने कितने जीरो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, प्लस का साइन लगाया, अब 6 ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम। 6 के आगे कितने आएंगे, 5 जीरो आएंगे, क्योंकि 5 डिजिट हो गई। तो 6 के साथ में कितने जीरो बच्चों, 1 2 3 4 5। ओके, प्लस 2 के आगे बच्चों कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस नेक्स्ट डिजिट, प्लस नेक्स्ट डिजिट, प्लस नेक्स्ट डिजिट, प्लस 1। समझ में आया? एक तो तरीका ये है इसको करने का, और एक दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हो, इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हो, दोनों सही है, बट आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। देखो, एक बार आपको ये भी बता देती हूँ, मेरी डिजिट क्या थी बच्चों, 3628941 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब 1 के साथ में मैंने कितने जीरो कर दिए, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 के साथ कितने जीरो होंगे बच्चों, 5 जीरो। फिर एक एक कम होता जाएगा ना, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 1 के साथ में कितने होंगे, 4। फिर 8 की निकाली तो 1 के साथ कितने जीरो होंगे, 3। फिर प्लस 9 की निकाली तो कितने होंगे, 1 के साथ में 2। एंड नेक्स्ट मैंने 4 की निकाली तो कितने होंगे बच्चों, 1। देखिए ना, 4 की निकाली तो 1 कैसे होंगे, क्योंकि 4 के बाद में आफ्टर डिजिट कितने नंबर हैं, ओनली 1 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 4 के साथ में कितना होगा, 1 0 होगा, ठीक है? मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1। अब 1 के आगे तो एक भी डिजिट नहीं लिखी है, तो 1 सिंपली 1 होगा। ओके, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2613321। देखिए, सिमिलरली ऐसे ही होगा सॉल्यूशन, 2 की प्लेस वैल्यू निकाली 6 जीरो, प्लस 6 की प्लेस वैल्यू निकाली 5 जीरो, 3 की प्लेस वैल्यू निकाली 1 की निकाली प्लेस वैल्यू 4 जीरो, फिर 3 की निकाली तो कितने हुए बच्चों, 3 जीरो, फिर 2 की प्लेस वैल्यू निकाली तो बच्चों 1 जीरो, और 1 की निकाली ओनली 1। ओके, क्लियर?